हेलो, कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। जो हमने पहली वीडियो आपको बताया था, पौधे पे एयर लेयरिंग करी थी, आज हम दिखाएंगे आपको कितनी जड़ाई है उसमें, और उसको गमले में भी लगाएंगे आज आपके सामने। जो भी दिखाएं लाइव दिखाएंगे दोस्तों आपको। ये हमने इसमें दिखा रहे हैं वीडियो, मॉस घास ली थी, फिर उसके बाद पोलोथीन से अच्छे तरीके से इसको कवर कर दिया था। और पूरी वीडियो देखनी है तो मेरे इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी, देख सकते हैं। आप भी अपने घर पर एक पौधे से कई सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। देखिए, अब हम इसको पन्नी को इसको हटाते हैं, जो हमने इस पर ग्राफ्टिंग टेप लगाई थी। इसको हटा कर देखते हैं कितनी जड़ाई है इसमें, आपके सामने लाइव दिखाएंगे। इसमें कोई भी फेंक नहीं है, मैं जो भी आपको दिखाता हूँ बिल्कुल ही सच्चाई दिखाता हूँ दोस्तों। फिर भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ये देखिए इसमें कितनी जड़ आ गई है। इसको पन्नी को अच्छे तरीके से हम हटा देंगे, सारी निकाल देंगे पॉलीथीन जितनी भी हमने ग्राफ्टिंग टेप लगाई थी। उसके बाद हम इसको कटर की मदद से काटेंगे। सबसे पहले पॉलीथीन निकालनी ज़रूरी है, ये कटर की मदद से हम इसको काट लेंगे। ध्यान से देख दो, इसी तरीके से आप भी अपने घर पर कई सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ, बस प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर और करें। ये देखिए हमने पोट ले लिया, ये ले लिया हमने मिट्टी, इसमें पोट में लगा देंगे हम। ये देखिए कितनी जड़ तैयार हो गई है हमारे पौधे की, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे। बस 1,000 सब्सक्राइबर होने में कुछ ही बाकी रह गए हैं चैनल मेरे। इसको लगा देंगे अच्छे तरीके से, मिट्टी को दाब देंगे चारों तरफ। अगर आपके घर में ज़मीन में कोई बड़ा पौधा है उससे तो आप 50-100 पौधे तैयार कर सकते हैं। उसके बाद पानी लगा दूंगा मैं, पानी लगाने के बाद इसको